सर कुल्लू जाना है। बाढ़ पीड़ितों को, टूरिस्टों को, अगर किसी को खाने को नहीं मिल रहा है पैसा। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं अपना रेडी होके तैयार हो चुका हूँ। और ना आजकल ना ब्लॉग एडिट करके जो अपलोड करने में ना जो नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा वीक है। मैंने पिछले कल रात को अपलोडिंग पे लगाया था, तो अभी आधा घंटा, अभी तो सुबह का टाइम 9:30 हो रहे हैं और अब जाके मैंने अपलोड किया। तो जाके चेकआउट करो हिमालयन बंजारा में, और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और ब्रेकफास्ट में जो मैंने कल सब्जी लाई थी सो वही है, और बल्लू यहाँ पे अपने खिलौने से खेल रहा है। सो अभी निकलते हैं और हम लोग जा रहे हैं कुल्लू। तो कुल्लू बताते हैं आपको किस काम से जा रहे हैं। सो करते हैं दिन की शुरुआत, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय बाय। अभी ये भाई साहब उठ ही नहीं रहे। पापा मम्मी गई, जल्दी आओ, जल्दी फोन लेके आओ, फोन लेके आओ। बाय बाय, नो बाय, बाय बाय। तो इसको हमने ना ताला मार दिया अंदर से, और चाबी साथ में लेके जाएंगे। और हम लोग रेडी हो चुके हैं, बल्लू भी नीचे पहुंच चुका है। और ये देखो भाई दोस्त, लोग ना बेचारे सब अपना पैदल घरों को जा रहे हैं। क्या करना भाई, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। ए मम्मी, टोल टैक्स ना दिया यार शायद। अभी बारात यहाँ फंसी हुई है बेचारी। कहाँ जा रहे हो नहीं लोग? ये नहीं है शायद, नहीं है, नहीं है। हाँ पता नहीं, अब नंबर तो HP है, दो ही गाड़ियाँ, बाकी गाड़ियाँ पता नहीं। उस दिन परसों भी एक बारात फंसी हुई, इनकी गाड़ी ऐसे क्रॉस नहीं होगी, हो जाएगी। ये वाला रास्ता ख़राब है और ये दूसरा राइट वाला रास्ता ठीक है। हाँ, ये लेफ्ट बैंक होके है, यहाँ से सीधा राइट, राइट में ही जाना है। ये नया रास्ता है, नया तो नहीं पुराना है, लेकिन मैं तीसरी बार जा रहा हूँ यहाँ से। सो दोस्तों, टाइटल थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा, ये है हमारे मनाली के पुराने रास्ते जो हाईवे खुलने से पहले के रास्ते हैं। तो यहाँ से आपने पहले नीचे राइट लिया था, अब यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट। अच्छा, एक ही नहीं, इसके बाद ना एक रोड और आता है जहाँ पे दो रास्ते हैं, शायद इसके ऊपर वाला है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। सो भाई साहब, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये आगे की तरफ है और एक रास्ता ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट। खड़े हैं, जगह थी वहाँ। सो यहाँ से एक रास्ता और आएगा, फिर वहाँ से भी हमारे को लेफ्ट ही लेना है। बस लाइट लो, बाकी लेफ्ट। एक राइट है, बाकी लेफ्ट लेफ्ट है, फिर आप सीधा मेन रोड में पहुँच जाओगे, नगर रोड में। हाँ, मतलब जो वो बड़ी गाड़ियों का रास्ता है लेफ्ट साइड में। और ये एक पॉइंट ये है, एक रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ, तो यहाँ से भी लेफ्ट लेना है। पहुंच गए हैं नगर रोड में, ये देखो रोड सीधे ही नगर रोड पे आते हैं। हाँ, ये लिंक रोड सीधा नगर रोड में आकर के मिलता है, और खुली डुली सड़क है। अब देखते हैं आगे का हाल भी, और आपको भी अपडेट करवाते रहेंगे। ये कौन सा नाला है? तो भाई साहब, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छाटन सेरी पुल के पास, और यहां से लेंगे हम राइट, और आगे है भाई पुलिस वाले भी। तो हाँ, तो यहां से वीडियो नीचे करनी पड़ेगी। लो सुनो, आप बनाओ। सर कुल्लू जाना है, पूछ लो पूछ लो। सर कुल्लू जाना है। बाइक रोक लो, कुल्लू
चलिए आगे कहाँ भेज रहे थे उसको? बेचारा डर गया थी। उल्लू भैया यही दादाजी लड़के से अच्छी बाइक चला रहे हैं देखो। टूरिस्ट है क्या? नहीं HP 24 है। HP के लड़के भी नहीं बाइक चला पा रहे। कच्चा है। भाई साहब वैसे उतना भी खराब नहीं है, रोड ठीक ठीक है और मनाली से लेकर के यहाँ रायसन तक रोड बिल्कुल अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। लिंक रोड से यहाँ से थोड़ा सा ख़राब है। ये वो नया वाला पुल है, अभी पहले इसको खोल लानी था वैसे इनको, हम लोग तो इसका वेट कर रहे थे खुलने का क्योंकि ये टोल प्लाजा से पहले है, टोल प्लाजा बच जाता है इसकी वजह से। सो अभी एमरजेंसी में इन लोगों को ये खोलना पड़ा है। हम तो विश कर रहे थे कि टोल प्लाजा बह जाता कर। जरा भाई साहब पुलिस वाले थे यहाँ लाइन में, हर जगह पुलिस वाले बैठे हुए हैं। क्या लाइन लगी है देखो। हे मेरा पड़ोसी था, सुनो ये पुलिस वाला रिपोर्टर पीछे रह गया, उस रिपोर्टर को देखने के चक्कर में तो मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। वो वीडियो जरूरी है भाई। सो हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लू और अभी मैडम जी गई है अंदर फोटो स्टेट करवाने, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो फोटो स्टेट करवाने हैं। और यहां पर बल्लू को ना भाई गर्मी लग रही है और यहां पे ना कुल्लू में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है और हम लोग ना गर्मी से पागल हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने वहाँ पे मनाली में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है और मौसम का हाल भी कुछ ऐसा है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब है और यहाँ पे उतनी शांति नहीं है। यहाँ पे कुल्लू में काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी बाज़ार खुले हुए हैं और जो बीच में रास्ता तो आपने देख ही लिया, रास्ता बिल्कुल सही है, छोटी गाड़ी के लिए तो बेस्ट है, बड़ी गाड़ी के लिए भी ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ी गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है, बाकी छोटी मोटी गाड़ियाँ तो अपने जो XUV वगैरह वो तो बड़े आराम से निकल जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोटी भी बड़े आराम से निकल रही है। सो ये था कुल्लू का हाल, अभी देखते हैं ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अपना काम करवाते हैं फिर निकलेंगे सीधा घर की और भाई आना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो भाई नीचे लाइट नहीं थी और इसीलिए हम लोग आ गए हैं ऊपर शोभला के पास और यहाँ पर लाइट है और यहाँ ना पापा को खाना है ट्रफल नहीं वेलवेट केक। पापा ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये बताओ, जल्दी बताओ क्या ये केक है, बोलो केक, नहीं बोलना, इतना गुस्सा नहीं करते यार पापा, बोलो केक। हाँ केक। और अभी ना यहाँ पे केक चिल्ला रहा था। सो मैं अपने लिए स्ट्रिंग लेके आया हूँ और पापा के लिए केक और जब दीपिका आएगी तो उसके लिए जूस लेंगे, फिलहाल वो अभी फोटो स्टेट करवाने गई है। सो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे और मैडम जी जा रही है ऑफिस और मैं और बल्लू अपना बैठेंगे गाड़ी में वेट। आ जाओ जल्दी आओ। तो चलो आपका काम तो हो गया ना। अभी क्या पता, जब तक बिल पास नहीं होता, जब तक कैश नहीं आता तब तक नहीं बोल सकते कुछ भी कि काम हो गया। बस अभी इतना हुआ कि इन्होंने बिल ले लिया। चलो तो कोई जाएगा। सो हमारा काम हो चुका है और भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी है और हम फटाफट घर निकलते हैं, घर में अपना नहा धो के फ्रेश होकर था, हमने अपनी तरफ से कर लिया, अब ये कब तक करते पता नहीं, देखते हैं MC ऑफिस वाले। सब्सक्राइबर्स 10,000 भेज दो हमको, किस्तों के टाइम आ रहा है। अभी भाई हमारी हालत ऐसी हो चुकी है क्या बताएं, अब हमारी नहीं सबकी हालत वैसी है लेकिन लग रहा है कि हमारी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, देखते हैं अभी। वैसे अभी दिन है हमारे पास, क्या होता है अपडेट करते रहेंगे आपको। सो अभी तो फिलहाल निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और ना बल्लू पार्क में गया था ना और ये कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं आता था और ये देखो अभी चुपचाप से गाड़ी गुड़ी उठा के आ गया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो इसका भी मन नहीं किया खेलने का। ये यहाँ पे अखाड़ा में ना जाम लगा हुआ है,
क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ, ये जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीएम और उनकी टीम आई हुई है ना कुल्लू मनाली का जायजा लेने, तो उनके टीम के लोग यहाँ आए हैं अभी, इसीलिए पुलिस की हाँ तैनाती की हुई है। पुलिस के साथ साथ जो सीमा सुरक्षा बल है हमारा ITBP का, वो भी लगा हुआ है। और फिर लोग बोलते हैं कि सेंटर में BJP है, यहाँ पे कांग्रेस है, इसलिए BJP काम नहीं करेगी। भाई साहब, ये नेशनल हाईवे का काम है, ऐसे BJP कांग्रेस से नहीं होता। यहाँ पे इंसानियत देखी जाती है, BJP कांग्रेस नहीं। भाई साहब, अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, क्या बोलते हैं, वैष्णो माता मंदिर। सो यहाँ पे साथ में भंडारा लगा हुआ है, तो मैडम जी गई है अपने मेरे लिए भी और बल्लू के लिए भी। थैंक यू। सो भाई मैं दिखाता हूँ, पहले मैडम जी लेके आ गई चने और हलवा और चाय बल्लू को खिला। सो भाई साहब, अभी ना थोड़ा लगभग पानी का जो फ्लो है थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है भाई, फिर भी पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसा कि पहले होता था उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। अब ये लोग है ना, जो अभी करण ने दिखाया, ये लोग ना बाढ़ पीड़ितों को, टूरिस्टों को, अगर किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, पैसा ख़त्म है, तो उनको ये भंडारे में थोड़ा कुछ खिला रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने हमें दिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा ही लौटा रहे हैं। सही में एक ये लोग हैं और वो एक वो लोग हैं जो हमारी मेहनत का भी नहीं दे रहे, मेहनत का भी नहीं देते। सही बात है, चलो भगवान करे इनको और मिले और मिले। सही में सब आने वाले, गाड़ी वाले रुक रहे हैं, देखो अपने यहाँ कुल्लू के बाहर के भी तो भंडारा छक रहे हैं, काफ़ी लोग हैं। और ये देखो खुद सेवा कर रहे, गाड़ियों में जा के दे रहे हैं, तो भगवान इनको और दे ताकि ये लोग दूसरों को भी इसी तरह बांटे। भाई साहब अभी देखो यहाँ ना पूरी की पूरी बस रुक चुकी है, और ये लोग ना वन बाई वन करके सबको बारी बारी में दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और हम भी गाड़ी में खाने बैठे हुए थे, और ये लोग ना हमारे को खुद गाड़ी में अपना गाड़ी तक छोड़ने आ रहे हैं स्पेशल। ये लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, भगवान करें इनको और भी ज़्यादा मिले। सो अभी हम लोग फ्री हो चुके हैं और खाना खा के अभी निकलते हैं सीधा मनाली की ओर। और सफ़र आजकल ना बहुत लंबा हो रहा है, सुबह भी हमें आने के लिए ना कम से कम 2 घंटे लग गए, जाम भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो बस है ना, ये सिर्फ रायसन तक जा रही है, रायसन से फिर वापस मुड़ के आ जा रही है, तो छोटी गाड़ियाँ रायसन से पार जा रही है चाटनसेरी जो पुल था जो आपको मैंने दिखाया था। तो अब चलते हैं सीधा और मिलते हैं आपसे घर में, है ना पापा, बोलो बाय बाय। हाँ बाय बाय, बाय बाय, लव यू, बोलो, मुँह से निकालो ना पहले, अब बोल दिया इसमें ज़्यादा नहीं। तो भाई साहब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और निराशा हमारे साथ हमेशा की तरह, और नुआ भी हमेशा की तरह, और सुनसान सब, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहले तो जाके नहाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद हम वीडियो पर आएंगे। A few moments later. सो भाई हम लोग ना नहा धो के अपना फ्रेश वेश करने बैठ गए थे, और बल्लू भी अपना नहा धो के मज़े कर रहा है, और देखो बल्लू ने कचरा कितना फैलाया हुआ है। और डिनर अपना तैयार है, दाल चने और चावल अपना खाएंगे और सो जाएंगे भाई, रेस्ट भी कितना करेंगे अब ये भी नहीं बोल सकते कि रेस्ट करेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे जो एडिटिंग वगैरह है तो अपनी वो सब करेंगे। सो आज के वीडियो का एंड यहीं करते हैं, और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। पापा बोलो बाय बाय, इधर आओ पहले, बोलो बोला जल्दी आओ, बाय बाय बोलो, आई लव यू, थैंक यू, ओके, गुड नाइट।